सेलेस्टियल की बात करते हैं, सो क्योंकि आप लोग में से कोई कुछ टिप्पणी या बात नहीं करना चाहता, सो मैं नहीं चाहती कि वक्त ऐसे ही जाहिर हो. सो सेलेस्टियल जो बात है, सो इट इज समथिंग जहां हम हेवनली बॉडीज या जो बॉडीज आकाशिक, जो आकाश में होती है, जो ऊपर स्पेस में हमें नजर आती है. तो ऑफ कोर्स अब इतना तो सब लोग कह सकते हैं कि आपको क्या क्या नजर आता है स्काई में, कि स्काई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो ये मैडम नजर तारे ही नहीं नजर आते. आते हैं मैम, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव ओके हाँ, वेरी तारा गुड. कभी कभी दिख जाता है मैम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है. सो ऑफ कोर्स हमारा सबका बचपन से इंटरेस्ट रहता है. हम लोग प्लैनेट्स के बारे में सीखते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में सीखते हैं, कॉन्स्टेलेशंस अलग अलग तरह के सीखे हैं, हमें मालूम है, हमने आर्क एंजल्स के बारे में सुना है, एंजल्स के बारे में भी बहुत सी थेरेपीज होती हैं जिनमें हीलिंग मोडेलिटीज में जहाँ पे आर्क एंजल्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू या कोई गॉड गॉडेस के थ्रू, कोई ना कोई बड़े हायर सेल्फ, असेंडेंट मास्टर्स या एंसेस्टर्स, इनके थ्रू हमारी हीलिंग प्रोसेस होती है, राइट? हम सब में से शायद काफी लोगों ने आकाशिक भी किया होगा और वो आकाशिक लाइब्रेरी भी गए होंगे. अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सुना जरूर होगा. सो दीज ऑल थिंग्स, जब हम ये सब चीजों की बात करते हैं, तो ये कहाँ बिलोंग करती है? ये सब बिलोंग करती है अपर वर्ल्ड, राइट? सो एक तरह से हमारे ऊपर की दुनिया, राइट, जो हम आकाश की तरफ जब ध्यान देते हैं तो हमें जो नजर आता है, और जो नजर नहीं भी आता है तो हमें मालूम है कि वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है. और जहां तक हमारी नेकेड आईज से हम देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड काफी कुछ यूनिवर्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. सो हम जो दुनिया में रह रहे हैं वह बीच में है. हमारे पैरों के नीचे भी एक दुनिया है और हमारे सर के ऊपर भी एक दुनिया है. सो जब हम ऊपर की दुनिया की बात करते हैं, सर के ऊपर की, दैट इज द अपर वर्ल्ड. सो शमानिज्म में अपर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड, ये तीन वर्ल्ड्स हैं जिनके बारे में काफी कुछ ज्ञान है. अब अगर आपने शमानिज्म के बारे में नहीं सुना है, तो बेसिकली हमारे जो इंडिजिनियस एंसेस्टर्स, जो बहुत सालों पहले जब इंसान ने इस जीवन को स्टार्ट किया इस धरती के ऊपर, तो उसके प्रकृति के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था. जो भी आसपास उसके जीव जंतु या जो भी प्लांट्स थे या जो भी उस टाइम एग्जिस्ट करता था, वो बहुत तरह से उनसे कम्युनिकेट कर पाता था, उनसे चीजें ले पाता था, आदान प्रदान बहुत आसानी से होता था. अभी तो हम इतने व्यस्त हो गए हैं तो हम बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इतना एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम वो भाषा भूल गए हैं जहां पर हम उन जीवों से या वो प्रकृति के नियम या प्रकृति के साथ कन्वर्स कर सकें. हम वो भाषा को समझते नहीं हैं, हम वो भाषा को जानते नहीं हैं, और हमारी शायद इच्छा भी नहीं होती कि हम वो भाषा के बारे में जानें, क्योंकि हम प्रेफर करेंगे कि भाई हम फ्रेंच सीखें, स्पैनिश सीखें, इंग्लिश तो हम जानते ही हैं, इंग्लिश और हिंदी. सो इट्स बेटर हम उन चीजों में, बहुत सी चीजों में को यूज करके फिनेंशियली, फिजिकली अपने आप को बहुत अच्छा काबिल बना सकते हैं. जानवरों से, जीवों से, प्लांट से बात करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं होगा. सो व्हाई टू डू ऑल दैट थिंग? लेकिन जब पहले जमाने में लोग रहते थे, या जो मैं उनको पहले जमाने कहूंगी क्योंकि जमाना बदल चुका है, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन सच पीपल एग्जिस्टेड. और ऑफ कोर्स उनके ट्राइब्स के लोग आज भी हैं, उनके लीनेज के लोग आज भी हैं, पर उस समय में जो इंसान ऐसे होते थे जिनको इन चीजों से बहुत लगाव था और वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाते थे इन जीवों से या इन जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आसपास फिजिकल में, तो वो ऐसे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते थे. वर्ल्ड में मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर स्थित हैं, जो हमारी धरती है, सो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है. अब ऊपर या नीचे मुझे जाना है या कुछ पता लगाना है,
तो उसके लिए मुझे वहां उनके स्पिरिट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट, जो भी वहां पर है। अगर आज मैं सन के बारे में बात करती हूँ, मून के बारे में बात करती हूँ, या प्लैनेट के बारे में भी कोई भी बात करती हूँ, तो आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू द, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हम सब जानते हैं कि आसपास हम खुद पूरे एनर्जी फील्ड में हैं, एनर्जी हमारे आसपास है, हर चीज में है एनर्जी। तो हम जब वह एनर्जी के साथ ट्यून इन हो पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो हम जो हमारे को ज्ञात नहीं है, जिस बात का हमें अंदाजा नहीं है, और हम में कुछ चीजों को लाना है, समझना है, या कुछ चीजों को ठीक करना है अपने अंदर, मे बी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मेंटल इश्यूज, एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स, और आर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हम जिंदगी में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, किस चीजों के जवाबों के आंसर चाहते हैं, तो हम वो उस टाइम पे इस इन चीजों, इन जगहों पर ट्रैवल कर पाते थे। अब ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली आप, ऐसा तो नहीं है कि गड्ढा खोद के नीचे घुस जाएंगे और नीचे जाकर आप बैठ जाएंगे, या आप आसमान में उड़ जाएंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे। सो दे हैड सम पावर्स द बाय विच वो ट्रांस में जा पाते थे। पावर्स आई विल नॉट से, पावर विल नॉट बी द राइट वर्ड, बट उनके पास ये टेक्निक्स थी या तरीके थे कि वो ट्रांस के अंदर जा पाते थे। ट्रांस मतलब जहां पे आप अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो जाते हैं, जहां आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, और आप वह चीज के, चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, वो जो भी है आपकी जो फिजिकल रियलिटी है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका ध्यान कहीं और है, आपकी जो दिमाग है वो कहीं और ट्रेवल कर, राइट, सो दैट इज हाउ योर माइंड, योर थॉट ट्रेवल्स एवरीवेयर। हो सकता है वो अभी ऑफिस में पहुंच गया, हो सकता है वो आपके बच्चे के स्कूल में पहुंच गया, हो सकता है वो कहीं पे भी। सो वी नो कि आर माइंड कैन ट्रेवल, आर थॉट्स कैन ट्रेवल विदाउट आर फिजिकली ट्रेवलिंग, राइट। सो उसी प्रकार से वो ट्रांस के द्वारा उस माइंड से, वहां से वो ट्रैवल कर पाते थे, और वो ऐसे ऐसे जगहों पर पहुंच पाते थे जहां पे वो खुरेद कर, निकाल कर वो चीजों को ला पाते थे, जो कि उनके क्लाइंट के या उनके कम्युनिटी के या ट्राइब के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन होती थी। सो दे वर कॉल्ड द शामंस। सो उनको मेडिसिन मैन कह सकते हो, या वो एक प्रकार के ऐसे जने थे जो कि हर कोई रूप धारण कर सकते हैं, हर कुछ कार्य करने में सफल हो सकते हैं। पोइट्री उनको आती थी, म्यूजिशियंस थे, अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु कुड एंटरटेन, हु कुड लुक आफ्टर, हु कुड डू एनीथिंग, राइट। सो ये इस तरह के लोग जो हैं, वो ऑफकोर्स आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके थ्रू हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ यहाँ तक पहुंचा है, बहुत कुछ असेंबल किया गया है, डिकोड किया गया है, और उसको स्प्रेड किया गया है लोगों तक। तो उसमें ऑफकोर्स जो लोग उनके लीनेज को बिलोंग करते हैं, या वो खुद पैदा हुए ऐसी फैमिलीज में उन्होंने किया, या हमारे अंदर कुछ अवेकनिंग हुई, हम ऐसे गुरुओं या लोगों के टच में आए जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया। हाँ।